सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल 12। अ मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन द एलपी रिकॉर्ड डिस्क रोटेटिंग टर्न टेबल एट 33 ऑफ 1/3 रिवोल्यूशन पर मिनट। द डिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज 10 सेंटीमीटर। शो दैट द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मॉस्किटो इज ग्रेटर दैन पाई स्क्वायर अपॉन 81। टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे एक डिस्क दी हुई और यहाँ पे एक मस्किटो होगा और ये डिस्क जब रोटेट होगी तो मस्किटो पर बाहर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा एम आर ओमेगा स्क्वायर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर। लेकिन यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी है तो जब भी फ्रीक्वेंसी होगी हमें ये फॉर्मूला यूज करना है एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब जैसे हमने लास्ट न्यूमेरिकल 11 में किया था कि वो फैन के ब्लेड पर एक पार्टिकल रुका हुआ है और पार्टिकल पर बाहर की डायरेक्शन में इतना फोर्स लगेगा और वो तब तक नहीं चला जाएगा इसको। या दूसरा उसी क्वेश्चन में था कि वो पार्टिकल फैन के ब्लेड पर कितना फोर्स अप्लाई करता है, तो वो उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। मतलब यहाँ पे जब ये डिस्क स्टार्ट हुई रोटेट होने के लिए तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की डायरेक्शन में लगेगा और इस कोई पार्टिकल हो या मस्किटो हो उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। अब लेकिन ये जो बॉडी होगी या मस्किटो की बॉडी और ये जो डिस्क होगी उसका सरफेस दोनों के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा और ये फ्रिक्शनल फोर्स उसे बाहर जाने के लिए अपोज करेगा। अगर ये फ्रिक्शनल फोर्स काफी है, ज्यादा है इसे बैलेंस करने के लिए, तो वो बाहर नहीं चला जाएगा, तब तक ये यहाँ पे ही रुक जाएगा। मतलब ये म्यू एन अगर इक्वल टू है जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है उस पर, ये उसे बैलेंस कर रहा है, तो वो बाहर की डायरेक्शन में नहीं जाएगा। लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम, तो ये हमें दिया है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम कितना है। जैसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करके 99 और 100 अपॉन 3 रिवोल्यूशन पर मिनट, इतने नंबर ऑफ साइकल्स पर यूनिट टाइम, मतलब वो फ्रीक्वेंसी, तो इतनी फ्रीक्वेंसी दी है हमने, उसे कन्वर्ट किया पर यूनिट सेकेंड बाय डिवाइडिंग 60। तो यहाँ पे इतनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ा देते हैं हम, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम अगर ज़्यादा कर दिए, मतलब ज़्यादा ओमेगा होगा, ओमेगा होता है 2πn, तो ओमेगा बढ़ जाएगा, ओमेगा बढ़ जाएगा तो बाहर की डायरेक्शन वाला फोर्स बढ़ जाएगा और बाहर की डायरेक्शन वाला फोर्स बढ़ा तो एक मॉस्किटो वहाँ पर उसे बाहर की डायरेक्शन में फेंक दिया जाएगा। नहीं फेंक देना है तो ये म्यू एन ज़्यादा काफ़ी होना चाहिए, ये एक तो इक्वल टू इतना होना चाहिए या इससे ज़्यादा होगा तो वो बाहर की डायरेक्शन में नहीं फेंक दिया जाएगा। मतलब ये म्यू एन इतना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये एन क्या है, ये नॉर्मल रिएक्शन, मतलब ये मस्किटो जब यहाँ पे होगा तो उसका वेट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी, तो इस सरफेस भी मस्किटो पर फोर्स लगाएगा ऊपर की डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन एन, मतलब एन होगा यहाँ पे एम जी, तो एन की वैल्यू एम जी पुट कर देते हैं तो ये होना चाहिए ग्रेटर देन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो ये एम कट हो जाएगा। तो म्यू कितना होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ये आ गया आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। अब ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2πn, मतलब ये म्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू आर और ये होना चाहिए 2π फ्रीक्वेंसी और इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जी। तो यहाँ तक हमने एक यहाँ तक हमारा कॉन्सेप्ट हो गया, जो भी हमें पढ़ना था यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया। रही बात सिर्फ अभी कैलकुलेशन की, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करके हम दिखा देते हैं कि दिस म्यू शुड बी ग्रेटर देन पाई स्क्वायर अपॉन 81 अगर इस मॉस्किटो को यहाँ पे रुकना है। तो हमें इक्वेशन मिला था म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर और ब्रैकेट में लिखा था हमने 2πn उसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लिख दिया है यहाँ पे और डिवाइडेड बाय जी। तो इसमें अगर वैल्यू पुट करते तो आर की वैल्यू यहाँ पे हमें दी है 10 सेंटीमीटर, इसका हमने कन्वर्जन किया इनटू मीटर, तो इतना रेडियस ये 4 पाई स्क्वायर वैसे ही रखना है क्योंकि हमें ये शो दैट करना है। और एन कितना है, ए एन यहाँ पे 100 अपॉन 3 इंटू 60 एन होगा और उसका स्क्वायर तो फिर से उसे लिखना पड़ेगा और डिवाइडेड बाई जी, जी की वैल्यू भी 10 लेते हैं, तो ए म्यू की वैल्यू देख लेना यहाँ पे 8080 इस पर चला गया और ये 10 इधर चला गया और 10^-2 इधर चला गया और ये 2 2 जा 4 और ये 2 3 जा और ये 2 1 जा और ये 2 3 जा, तो ऊपर आ जाएगा पाई स्क्वायर और नीचे यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 3 × 3 9 और ये 9 और 9 × 9 81। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि शो दैट दिस वो इतना ग्रेटर देन और इक्वल टू
होना चाहिए अगर मॉस्किटो को इसी जगह पे बैठ के रहना है तो।